जय श्री राम। हम आप सबकी बहन आरती घोसी आरती घोसी ब्लॉग में आवे सभी जनों को स्वागत। आजकल अपने देश के अपने सबसे प्रसिद्ध कथावाचक को हैं वो आप और हों बतावे की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बताए दे रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी मैं यानी कि बागेश्वर धाम सरकार के नाम से प्रसिद्ध हैं वो आप और हों पता ही है, लेकिन अब उनकी कथा होने वाली है कहाँ वो आप और हम बताते हैं ये वीडियो में। पहले कथा मध्य प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, और अब कथा होने वाली है दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ कथा होने वाली है वो आप और अकेलाने वीडियो में बताते हैं, तो आप और वीडियो में बने रहें। अगर आप और हम पूरी जानकारी चाहना है तो पूरा वीडियो देखने पर है, वरना आप और बोलो कि हमें लाने जानकारी अच्छे से नहीं मिली, या अगर आप और जानकारी समझ में नहीं आए तो आप और हमें लाने कमेंट करके पूछ सका था, तो कमेंट तो कर सका था। कौन से पैसा लग रहा है, फ्री सेवा है, तो एक छोटा सा कमेंट कर दो कि हमें जो जानकारी समझ में नहीं आई है तो हमें जो जानकारी अच्छे से दे दे, तो हम आप औरों के लाने कमेंट के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से समझावे की कोशिश करें और आप और एक जानकारी और दे दें। जो भी अगर आप और कलश यात्रा में शामिल हो वो चाहत हो तो आप और एक संपर्क है वो आप और हम वीडियो में बताते हैं कि उस नंबर पर संपर्क कर सका था, और आप और लाने मतलब कलश यात्रा में शामिल होवे के लाने आप और हों मतलब बहुत आवश्यक सूचना है कि बहुत सारे लोगों के लाने कलश यात्रा में शामिल होने आते हैं, लेकिन वे उनके लाने जानकारी नहीं मिला, तो उनके लाने कोई को सपोर्ट नहीं मिलाती है, तो वे कलश यात्रा में नहीं शामिल हो पाते। तो चलो वीडियो में बढ़ रहे आगे, वीडियो में आगे बढ़े से पहले वीडियो हो लाइक हो जो नहीं अभी तक चैनल हो नहीं करो सब्सक्राइब भी कर दे चैनल के लाने सब्सक्राइब यानी कि सब्सक्राइब अब कछु भी कहले सकरकराइब कहले सकरकराइब कहले या कछु भी कहले मतलब वही होते, तो आप पर जो कछु आप पर समझ में आए तो आप वो कर दे। तो वीडियो में आगे बढ़ ही रहे हैं, अब ना तर सोचो कि आगे बढ़ रहा है दो मिनट में कर दे, तो भैया जानकारी भी बताओ भी तो जरूरी है ना, आप पर भूल जाओ वीडियो लाइक नाइक ना करो लाइक आई सो और सब्सक्राइब ना करो तो फिर हमारा वीडियो बनाओ मेहनत बेकार हो जाते है चैनल के लाने, तो ठीक है वो वीडियो शेयर से कर दे करे अपने रिश्तेदारों अपने आसपास के जो भी आप रहो जानत पहचानत हो उनके लाने शेयर कर दे करे कि ताकि आपकी बहन का इतना सपोर्ट हो सके है ना। तो अब आगे बढ़ रहा है ना तर आप और फिर गुस्सा हो जाए हुए, तो बागेश्वर धाम सरकार ने यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की कथा हो रही है दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ हो रही है जो कि लीला ग्राउंड मैदान में उनकी कथा होने हैं, और आप और किलाने जरूर जाओ, और दिव्य दरबार भी लगे दो दिन को दिव्य दरबार लगने हैं, तीन दिन की कथा है जो कि पाँच तारीख को मैंने पाँच जुलाई से आठ जुलाई तक कार्यक्रम को आयोजन होने हैं, तो पाँच जुलाई को निकले भव्य कलश यात्रा, तो आप और शामिल जरूर हुए। हमने आपको बताई है जैसे कि संपर्क के लाने संपर्क कर भी किलाने हम डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दें हैं, तो आप और संपर्क कर सका, तो पाँच जुलाई से कलश यात्रा है पाँच जुलाई को मतलब, और छः मतलब सात जुलाई को और आठ जुलाई को लगे दिव्य दरबार जो कि तीन दिना की आयोजन बताया जा रहा है, और बिहार के बाद ये सबसे बड़ी कथा बताई जा रही है कि जब बिहार में करोड़ों में श्रद्धालु पहुँचे थे, तो दिल्ली अब दिल्ली छोटी सी सिटी थोड़ी है, दिल्ली के आसपास के गांव कस्बा या कछु भी बोल ले तो बहुत दूर दूर से लोग पहुँचे, और अब जहाँ तक जो लोग पहुँच सका थे विदेशों से भी लोग आते ही है आप और हम पता ही है कि देखो विदेशों में भी उनकी कथा होती है, और आप और पता है शायद एक अमेरिका में भी गुरुदेव की कथा होने थी, अब वो कथा कब होने हैं वो तो अब हमने शायद वीडियो बनाओ तो आप और ने देखो और नहीं बनाओ तो बनाओ है वीडियो हमें याद है, लेकिन जुलाई के महीना में होने थी बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की कथा, और कथा को आयोजन करता जो भी कोई है नाम हमें याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप और हम बता दें वीडियो अगलो बने हैं तो हम आप और हो वीडियो में बताते हैं, लेकिन ये जो ना अभी दिल्ली में कथा होने हैं कि पाँच जुलाई से आठ जुलाई के बीच में, तो कथा के जो कि कपिल शर्मा नाम से हैं जो कि बीजेपी विधायक हैं कि उनने यूट्यूब के माध्यम से और मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से उनने सभी को जानकारी दी है कि अब अगली कथा हो बारी है तय दिल्ली में और रामलीला मैदान में, और रामलीला मैदान के अलावा कथा को आयोजन करता है, और मतलब उनने बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी कि और तैयारियां शुरू हो गई हैं, और हर कछु कर विरोध करे व्यवहार भी कम नहीं है, बहुत सारे ऐसे विरोध प्रदर्शन भी होने लगे कि दिल्ली में कथा नहीं हो पाए या कछु भी कार्यक्रम करवे से पहले रोके बारे बहुत पहले आ जाते हैं, अब दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करवे बारे को है बहुत, तो आप और हम अगले वीडियो में बताते हैं।
आज को वीडियो तैयार में लगे वीडियो पर क्लियर वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब जय श्री राम।